हे गाइज, ऑक्सीजन ओएस का सेकेंड अपडेट आ चुका है रेडमी के 5A डिवाइस के लिए, जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल इसके बताने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसे अगर फ्लैश करना है तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्योंकि पहले वाला जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था ऑक्सीजन ओएस का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप था और कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी थी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना आपके लिए जरूरी है अगर आप इसे यूज करना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फाइंड आउट करते हैं नई चीज़ें और इंस्टॉलेशन मेथड। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डिवाइस आपको जो वन प्लस फाइव का देखने को मिलता है, जो कि पोर्ट किया गया है वन प्लस फाइव से रेडमी के 5A के लिए। यहाँ पर डेवलपर का आपको नेम देखने को मिलता है, एंड्रॉयड वर्जन आपको 9 देखने को मिलता है, 5 मार्च का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ यहाँ पर कर्नेल है जो आपको ट्रेवल का दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वन प्लस फाइव है बिल्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन उसका वर्जन है वो है 9.0.12। इसके प्रीवियस वाला जो था उसका मैंने रिव्यू प्रोवाइड कर दिया है। मॉडल और यहाँ पे बिल्ड नंबर दोनों आपको दिखाई देता है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम, जिसमें मैक्सिमम चीज़ आपको जो वर्किंग देखने को मिल जाता है। अकाउंट, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड अच्छे तरीके से काम करता है, और डबल टैप भी यहाँ पे आपका काम कर रहा है, और फेस अनलॉकिंग भी यहाँ पे वर्किंग है, जबकि प्रीवियस वाले में बग था। तो फेस अनलॉक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फेस अनलॉक आपका स्मार्ट लॉक वाला काम करेगा। यहाँ पे वन प्लस का फेस अनलॉकिंग अभी तक जो फिक्स नहीं हुआ है, तो आपको स्मार्ट अनलॉक से काम चलाना पड़ेगा, बट काम करता है अच्छे तरीके से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे बैटरी ज़्यादा मैंने उतना भी यूज नहीं किया है, लेकिन मुझे सही लगा। यहाँ पे आपको बटन एंड जेस्चर्स में देखने को मिल जाता है, वही बटन जहाँ पे आप है जो अपना नेप बार यानी ऑन स्क्रीन इनेबल कर सकते हो अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो, या फिर नहीं। और बाकी यहाँ पे वही नॉर्मल डबल टैप वगैरह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बैक का जेस्चर्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे यहाँ पे आते हैं क्विक जेस्चर्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको डबल टैप मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल, फिंगरप्रिंट, और यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट देखने को मिलता है। तो म्यूजिक कंट्रोल का जो ये सेशन है ये आपके लिए वर्केबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइस उसे सपोर्ट करता ही नहीं है। वहीं पे साउंड का प्रोफाइल आपको वन प्लस वगैरह का देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो अडैप्टिव नाइट मोड, यहाँ पे स्क्रीन कोलेबरेशन और एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह आपको देखने को मिलता है। थीम का सपोर्ट आपको मिल जाता है, और स्टेटस बार वगैरह भी देखने को मिलता है, जो कि काम करता है अच्छे तरीके से। वहीं पे हम आई की ओर बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह यूज कर सकते हो। जियो की कॉलिंग भी आपको वर्किंग है, बट जियो का वीडियो कॉल आपको नहीं मिलता है। फर्स्ट बिल में जैसा कि हमें ओपन कैमरा देखने को मिला था, तो सेम इसमें भी ओपन कैमरा इंक्लूड है बाय डिफॉल्ट, बट आप जीकेम ट्राई करना चाहते हो तो इजीली जो कर सकते हो, जीकेम दिक्कत नहीं आएगा। तो जीकेम आपके पास जो फेवरेट है वही आपको इंस्टॉल करना है और उसका फुल बेनिफिट ले लेना है। पहले से ये रूटेड रहता है तो आपको रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बार इसका जो डायलर है ये चेंज कर दिया गया है। यू नो वट वाई, क्योंकि इसका जो फर्स्ट बिल्ड में डायलर यूज किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज था और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता था, इसलिए यहाँ पे जो AOSP का डायलर यूज किया गया है, ताकि आपको जो ठीक तरीके से जो लेआउट देखने को मिले और बेकार ना लगे। वहीं पर अगर पावर मेनू में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, कस्टमाइजेशन सेम है, काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि जो डिस्प्ले साइज स्मॉल है और वन प्लस के डिवाइस का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा है जो अजीब सा ट्राइप का दिखाई देता है। और फिर वॉल्यूम पैनल काफ़ी ज़्यादा स्लिम कर दिया गया है, तो देखने में तो अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा है जो यहाँ पे अलग टाइप का बिहेवियर दिखाई देता है, बट देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। काफ़ी ज़्यादा स्लिम किया गया है जो कि मुझे सही लगा। फ्लैश लाइट, ब्लूटूथ वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी इशूज नहीं आने वाला है। जेन मोड भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, गेमिंग मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका आप फुल बेनिफिट यहाँ पे जो ले सकते हो। वहीं पर रेट्रो का म्यूजिक प्लेयर दिया गया है। और चेंजलॉग की अगर बात करें कि हमें चेंजलॉग में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो आपके वेंडर को है जो अपडेट किया गया है, साथ ही यहाँ पे थर्मल किया गया है MIUI से, मीडिया फिक्स किया गया है। इंस्टाग्राम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो यहाँ पे फोटोज वगैरह शो नहीं हो रहे थे, सेव नहीं हो रहे थे, उसे फिक्स किया गया है। वीडियो प्ले में HW सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उसे जो फिक्स किया गया है ताकि आप वीडियो प्ले कर पाओ। और यहाँ पे सेट किया गया GPU वगैरह को, ताकि आपको जो अच्छा सा है जो डिटेल्स देखने को मिल जाए। तो ये सारी छोटी मोटी चेंजिंग की गई है, और बाकी अदर चीज़ें तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में भी आपको बताया था। तब हम स्विच करते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर, कि किस तरीके से हम इसे फ्लैश कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर और यूज कर सकते हैं। तो बस सिंपली उसके लिए क्या करना है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके TWRP में ओपन करना है, और इतना आपको है जो करना है। अगर आपके पास कोई TWRP जो काम नहीं कर रहा है, तो लिंक मिल जाएगा TWRP का डिस्क्रिप्शन में, जिसे आपको डाउनलोड करके अपने डिफरेंट वाले TWRP के साथ रिप्लेस कर लेना है। अब ऑन करने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना है, ताकि ये TWRP में ऑन हो सके। और जैसे ही वाइब्रेट करता है आपको पावर बटन को लीव करना है और वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस रखना है, और यहाँ पे TWRP हमारा ओपन हो गया।
जैसे यहाँ पे ओपन होता है आपको वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप जाना है, डेलविक सिस्टम वेंडर डेटा और कैच को सेलेक्ट करना है और स्वाइप को वाइप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको होम पे आना है, इंस्टॉल पे जाना है और अपने फाइल को ब्राउज करना है जहाँ पे आपका फाइल है। तो ये देख सकते हो ऑक्सीजन ओएस रिवा पाई 9.0.12 है, सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे स्वाइप कर देना है। कंप्लीट इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइप करना है, कंप्लीट वाइप पे रिबूट और फर्स्ट सेटअप का आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा 4 से 5 मिनट का। और यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा एपीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है जैसा कि प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। बस आपको रिबूट करना है, सेटअप कंप्लीट करना है और अकाउंट को आप इजीली लॉगिन कर सकते हो और बाकी जो भी माइग्रेट वगैरह यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। आई होप सो गाइस कि आपको कंप्लीट डिटेल मिल गया है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो, फिर हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप सो गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।